हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप परवल की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कब उसकी रोपाई करें, कब उसके पौधों को लगाएं और कैसे आप लगा के ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं, वो आपको हम तरीका आपको बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग मिर्च की खेती करते हैं, वो मिर्च की खेती उनकी सितंबर अक्टूबर में वो लोग रोपाई करते हैं मिर्च की। उसके बाद उनकी खेती चलती है, वो फरवरी मार्च अप्रैल तक उनकी जो मिर्च है वो निकलती है अच्छे से। उसके बाद जो पौधे हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। तो यहाँ मार्च अप्रैल में ही वो लोग क्या करते हैं, यहाँ परवल जो होता है, परवल की जड़ को लगा देते हैं कूड़ में, और वहाँ पर जो परवल होता है धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और ये जून के अंत तक जो है अच्छे से विकसित हो जाता है पौधा। और तब तक उधर जो मिर्च होती है वो एकदम ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है। तो यहाँ किसान भाई अच्छा फ़ायदा उठा लेते हैं इसका। कोई भी उनकी ज़मीन जो है वो खाली नहीं रहती है और इसका जो प्रोडक्शन है वो बरसात शुरू होने से लेकर बरसात के अंत तक चलता रहता है। और परवल जो है बहुत ही अच्छी पैदावार भी देता है, साथ ही साथ इसमें ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक बार अगर आप लगा देंगे तो आपको 3-4 साल तक या 2 साल तो अधिकतम आप ले ही सकते हैं वहाँ से प्रोडक्शन अच्छा वाला। नहीं तो ये 3 साल तक 4 साल तक भी चल जाता है अगर आप इसको फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहेंगे। या आप चाहें तो एक बार अगर लगा देते हैं, अगली बार आप जब मिर्च लगाते हैं तो उन पौधों को आप उखाड़ के अलग लगा दीजिए थोड़े से पौधे, और जब आपका मिर्च ख़त्म होने वाला होगा मार्च अप्रैल में, फिर से आप उसी पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए, ये बरसात जैसे ही शुरू होती है तो ये बरसात में पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो इसमें यहाँ पर स्टेकिंग के लिए कोई भी अलग से खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। जो मिर्च के पौधे थे उन्हीं को देखिए पूरा ढक लिया है, जो परवल हैं ये पूरा ढक चुके हैं पौधे। और यहाँ पर जो स्टेकिंग होने की वजह से जो फल लगते हैं वो भी बहुत ही साफ लगते हैं, कोई इसमें रोग नहीं आता है, ज़्यादा कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं आता है और बहुत ही हरी भरी फसल रहती है। बस आपको आपको कभी कभी इसमें फंगिसाइड वगैरह का इस्तेमाल कर देना है ताकि जो पत्तियाँ हैं वो सुरक्षित बनी रहें, हरी भरी रहें और कोई भी फंगस वाली बीमारी इसमें ना आए। क्योंकि थोड़ा सा जो मिर्च के पौधे वो सूखे हुए होते हैं तो जब बारिश होती है तो वहाँ पर नमी ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी फंगस की समस्या आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और कोई ज़्यादा कीट भी नहीं लगते हैं बरसात में। वाइट प्लाई को आप कंट्रोल रखें, कोई भी आप यहाँ पर जो टेक्निकल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर आप खेती करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कुछ मिर्च भी यहाँ पर सूखे हुए अभी भी लगे हुए हैं, और परवल देखिए कितना साफ लग रहा है यहाँ पर। ये परवल जो होता है ये वैरायटी काफ़ी अच्छी प्रचलित है किसान भाइयों में और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आता है। रेट भी इसका 40 रुपये से 50 रुपये से नीचे नहीं मिलता है बरसात के सीज़न में। तो इसको आप ज़रूर अपनाएं। अगर आपका खेत खाली रहता है, आपने मिर्च लगाई हुई है, तो आप उसमें जो परवल है उसकी खेती ज़रूर कर सकते हैं। और अरबी देखिए यहाँ पर एक दो पौधे खड़े हुए हैं, तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो लोकल मार्केट में जहाँ पर कुछ लोग जिस गांव में भी लगाते हैं वहाँ से आपको प्राप्त करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा दूर से अगर आप मंगाते हैं तो वो जड़ें ख़राब हो जाती हैं, इतना मॉइस्चर इसमें रहता है लेकिन ज़्यादा हीट की वजह से वो जड़ें आपके घर तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा डैमेज हो जाएंगी। इसलिए आप लोकल में ही सर्च करें, जहाँ पर भी जिस गाँव में खेती होती हो उस गाँव से आप सेलेक्ट करके वहाँ से ले सकते हैं। जड़ें ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती हैं, हमारे यहाँ तो 25 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में किलो के हिसाब से मिलती हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा।